हेलो 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 भैया, ये कोरस वाले माइक की आवाज बढ़वा दीजिए। हेलो 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 किसकी भैया? बहुत सुंदर व्यवस्था है धनुषधारी जी की, लेकिन निवेदन करते हैं कि लगातार काफी देर से कोरस कर रहे हैं हमारे भैया लोग, तो कोरस वाले दोनों माइक थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ताकि उनको आपसे संबल मिल जाए। बड़े भाई, एक टुकड़ा हम सुना दे रहे हैं पाठक जी और हेमंत नटखट भैया की जी। जब हम बैठे थे फरमाइश हो गई थी। आराम से, हाँ वरना तुम बहुत डांस कर, बहुत डांस करते। क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पर क्यों मरती है? अरे एक बात बतला दे तू, उस रब से क्यों नहीं डरती है? अरे पैसे की औकात क्या, पैसे की औकात क्या, पैसे की लगा दू मैं बारिश कर दू पैसे की जो तू हो जाए। जब से लॉकडाउन लगा 24 मार्च से, तब से अभी तक ट्रेनें, रेगुलर ट्रेनें नहीं चल रही। इसमें ड्यूटी करने वाले भी भ्रम में पड़ जाते हैं। एक ट्रेन चली, कौन सी? कानपुर से गोरखपुर के लिए, उसे वाया फैजाबाद होके जाना था, लेकिन बाराबंकी स्टेशन से आगे जैसे बढ़ी तो पैडमैन से गलती हो गई, उसने गोंडा की ओर घुमा दिया। जाना था फैजाबाद कैसे? कैसे कैसे? पैसे, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पर क्यों मरती है? बाराबंकी में पैडमैन से गलती हो गई, उसने फैजाबाद के बजाय गोंडा वाली लाइन पर उसको भेज दिया। अवका कैसे भेजा? इसे पनिया के जहाज से
फूल तोरे हर मायले सौत बलम मोरे भर मायले सौत बलम मोरे भर मायले सौत बलम सुनिएगा। एक असुर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है। सुनो, भगवान प्रसन्न हो गए। सुन ले बेटा, यह धुन आ रहा है। पार्वती जी को लेकर उस असुर के पास पहुंच गए। कहा, भक्त राज नेत्र खोलो, नेत्र खोलो, खोलो, देखो, वरदान मांगो, मांगो। उस दैत्य ने जैसे ही नेत्र खोले तो शंकर जी पर बाद में नजर पड़ी, पार्वती जी पर पहले पड़ गई। औका बस उसका मत्था, उसका दिमाग चक्कर में खा गया, चक्कर खा गया, उसका दिमाग बदल गया। उसने कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए, मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। आखे लियो बतासा खा लो। ठीक है, उनका एक बीमारी है बेटा, हम दवा लिख देवे, खरीद लियो, दुई टिकिया रात में सोवे के बाद और दुई टिकिया सवेरे जागे से पहले खा लियो, बीमारी ठीक। हाँ, लेकिन पूरी लीला है टिकिया। हाँ, समझो सोनू का। कहा, मैं जिस पर जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, एवं अस्तु। तो कहा, अब आपके बलिदान का परीक्षण हो जाए। बिल्कुल हो जाए, हो जाए। तो आपसे बेहतर हम सुनसान वीरान जंगल में मिलेगा। भोलेनाथ की ओर बढ़ा सर पर हाथ धरने के लिए। क्या बात है, शंकर भगवान भागे। शंकर, अरे आपको नहीं कह रहे हैं, शंकर भगवान को कह रहे भैया। शंकर भगवान भागे, भय से भस्मासुर के भोला जब लगे हैं भागने, भय से भस्मासुर के भोला जब लगे हैं भागने, विष्णु को नारी बनाया शंभु के अनुराग ने। विष्णु भगवान पार्वती बनकर आ गए। भस्मासुर से कहा, रुको, क्यों दौड़ा रहे हो? कहा, तुमको पाने के लिए। तो कहा, उनको छोड़ो, लो मैं आ गई, लो मैं आ गई। तो कहा, फिर मेरे राज महल में चलो। ऐसे नहीं, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ नृत्य करते थे, नाचते थे, तुम भी नाचोगे, तुम भी नृत्य करोगे? बोलो। उसने कहा, यस मैडम, यस यस मैडम। अब सब लोग कहने लगे, अक्सर कीर्तनकार कह देते हैं, अच्छा वो पढ़ा लिखा था? अरे पढ़ा लिखा तो था ही, ए में से ओ में पढ़ा था। समझे बेटा, सुनो, आंखें खोलो। How are you? अब डांस होने लगा, पार्वती बने विष्णु जी नाच रहे हैं और वो भस्मासुर नाच रहा। पार्वती बने ऐसे, विष्णु जी नृत्य कर रहे हैं। भस्मासुर पार्वती बने, पार्वती बने विष्णु जी कहने लगे भस्मासुर से, वारे भस्मासुर, क्यों ऐसे ऐसे करता है तू, ऐसे क्यों नहीं करता? खोलो गुरु, देखो, क्यों ऐसे ऐसे करता है तू, ऐसे क्यों नहीं करता?
बात बतला दे तू ऐसे से क्यों डरता है। अरियो अरियो अरे ऐसा वैसा नाच नहीं, ये ऐसा वैसा नाच नहीं, ऐसी न लगाओ तेरी। अरियो ऐसा वैसा नाच नहीं, ऐसी न लगाओ तेरी। एक बार बस ऐसे कर दे मैं हो जाऊं। भैया देवेंद्र तिवारी जी पक्षपात करते हैं, कुछ कलाकारों को ही बुंदेलखंड में घुसने देते हैं, कुछ कलाकारों को नहीं घुसने देते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी बातें आई आती रहेंगी, लेकिन हमारे भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी ने जो किया है वो उसके लिए समूचा कीर्तन जगत उनका ऋणी रहेगा। चार पंक्तियां मैं उनकी तरफ से भेंट करना चाह रहा हूं। अगर असलियत सबको दिखानी पड़ेगी, अगर असलियत उनकी दिखानी पड़ेगी तो तकलीफ थोड़ी उठानी पड़ेगी। अगर वायरस फैले कोरोना जैसा, अगर वायरस फैले कोरोना जैसा तो दूरी भी समुचित बनानी पड़ेगी, दूरी भी समुचित बनानी पड़ेगी। चलिए आमंत्रित करता हूं बड़े भाई श्री राजकमल जी को। श्री श्री 1008 जय हो। श्री बागेश्वर नाथ जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो गुरु जय हो। आपकी धरती को प्रणाम करता हूँ। जय हो। यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। वाह, मुझे वो दिन याद है जब एक सच्चे ब्राह्मण ने कहा था कि बड़े भाई मैं मरणासन्न हिंद हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और कोई नहीं कह रहा था कि ये बचेंगे। वाह, लेकिन एक सच्चे ब्राह्मण जो वो हमारे छोटे भैया लालचंद दीक्षित जी हैं, उन्होंने कहा धैर्य रखिए बड़े भैया, अभी आपको हमसे कई जवाबियां गानी हैं। और पंडित श्री देवेंद्र तिवारी जी तो किसी विप्र के किसी ब्राह्मण के वचनों के द्वारा आभार ज्ञापित करते हैं बड़े भाई राजकमल जी। लेकर के आए जग में हम उधार जिंदगी, लेकर के आए जग में हम उधार जिंदगी है, फकत मेहमान दिन दो चार जिंदगी, तो काम जिंदगी में चंद करो इस तरह कि हंसते गाते हो सके यह पार जिंदगी। भैया ने कहा कि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पंडित भैया देवेंद्र तिवारी जी सबको बुंदेलखंड में नहीं बुलाते। अरे बुलाते तो हैं, लेकिन किरदार तो नहीं मिलता, किरदार नहीं मिलता, क्योंकि कहां दिलवाले दिलवर दिलरुबा दिलदार मिलते हैं, मतलबी प्यार मिलता है, मतलबी यार मिलते हैं, जिन्हें पूजा जिन्हें चाहा सराहा था, जिन्हें हमने हमारा कत्ल करने को वही तैयार मिलते हैं।
बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है गुरु, वाह जय। जो कहिए हम सुना देंगे। है पानी पिलाऊंगा अभी तुमको। और तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर, तुमसे बढ़कर, संध्या लेने गए, एक फल देखा पेड़ पर लगा फल, तो सुदामा जी से कहा क्या? ये फल तोड़ना है। श्री कृष्ण के कंधे पर सुदामा चढ़ गए, वो फल तोड़ा, कहा चीख लें थोड़ा सा, चीखने लगे, चीखते चीखते पूरा फल खाने के अरे हम रोज मिलते हैं, सवेरे मिलते हैं भैया, राम राम। राम राम। और सब ठीक है भैया? और बढ़िया है भैया। और जब पैर धुल चुके श्री कृष्ण भगवान, तो सुदामा जी से कहा कि भैया चलो विश्राम करते हैं। विश्राम कक्ष में ले गए, और जैसे विश्राम कक्ष में पलंग पर बैठे थे सुदामा, वैसे सुदामा जी से पूछ लिया श्री कृष्ण भगवान ने, भैया और
भैया आओ। हाँ क्या हाल चाल है? आओ ठीक है। बताओ अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, ये तीन लोग चौदह भुवन के स्वामी अंतर्यामी ये हमसे पूछ रहे और ये हमसे पूछ रहे और अब हम इनसे और क्या बता मैं इनको राम, नहीं मालूम राम राम इनको नहीं मालूम कि कब कब तू कौ कबौ कबौ तुई कौर रहे का खटिया भर का ठौर कि कबौ कबौ तुई कौर रहे का खटिया भर का ठौर बताओ 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 आज इनसे और कहा चहित कुछ और कहा चहित कुछ और मुला मुंह से निकसत कुछ और ओ कुछ और का कहा चहित कुछ और मुला मुंह से निकसत कुछ और बताओ बताओ आज इनसे और का अपनी पढ़ाई से बहुत कहा क्या लेकिन वो बार बार यही कहती रही कैसे जाऊ द्वारिका रोज यह बवाल जाहु द्वारिका जाहु द्वारिका रोज यह है बवाल मानव लागी लड़ा भर लौ पे तुमका सताई न अकाल माना उनके महल समूचे तिनमा चमकई लाल वाह मूल फुटहे कपाल मा लिख गए टूट ही मड़ैया जीव के जाल के पन तीन बीत सा सतमा चौथे कै अब चाल और राज कमल को हाथ पसारे को करे उनसे सवाल तुमरी अम्मा की बात नहीं कर रहे हम सुदामा जी की पत्नी की बात कर रहे हैं समझो गुरु शिकायत हो जाएगी बुढ़ापा में ऐसी बात भी नहीं करना गुरु शिकायत हो जाएगी बुढ़े ना कहे हमरे गुरु के यहाँ अबे नौ साल के गुरु हैं हमरे अब क्या हम 61 साल के बच्चे हैं जय हो जय हो हमरी अरे तीन कोई पड़ा पोटली छीन कर कनकी चबाई है इनको नहीं मालूम कि हमको भीख में भी कि कनकी मिले पछोरी पछोरन मिलती है कनकी मिली पछोरी ना देखन कबो समूचा चौर कि कनकी मिली पछोरी ना देखन कबो समूचा चौर बताओ बताओ आज इनसे
दौड़ दौड़ दर दर भटकिन हम दौड़ दौड़ दर दर भटकिन कुछ ऐसा आवा दौड़ दौड़ दर दर भटकिन कुछ ऐसा आवा भैया धन्यवाद जी। श्री सुशील पटेरिया एवं उनके माता पिता पर श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम की सदा कृपा बनी रहे। 101 मुद्राएं पंडित श्री रमेश तिवारी जी, पंडित श्री सुनील तिवारी जी, आपकी ओर से धन्यवाद है। और मैं अकेले गा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो होगा होगा होगा, आने के बाद थोड़ा सा थी जहां अधगिरी पर थी जहां अधगिरी पर बने हैं स्वर्ग महल उस ठौर बताओ आज उनसे आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले होगा 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 वो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले जो बच्चे हैं इनको आगे करने, बाद में हम राजकमल जी खड़े होकर के करेंगे, हवा महन करेंगे। लेकिन अभी हम चाहते निवेदन करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, नहीं नहीं राज बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है सुनील भैया, हम आपकी बात सिरोधार करते हैं। हमारा और राजकमल भैया का हवा महल होगा, लेकिन लास्ट में